आग लगने से दुकान और मकान जलकर हुए खाक। रुपैडिया के रामलीला चौक पर गुप्ता आयरन नक्षेद गुप्ता के दुकान और मकान में लगी भीषण आग। मौके पर नेपालगंज से समय पर दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। रात 9 बजे के करीब लगी अज्ञात कारणों से आग पर देर रात 3 बजे तक काबू पाया जा सका है। लाखों की क्षति हुई है। सभी घर के लोग सुरक्षित है। मौके पर स्थानीय पुलिस सहित सीमा सशस्त्र बल के जवान स्थानीय नागरिकों का सहयोग रहा। लपटों से दूसरी मंजिल तक पहुंची आग से आसपास के नागरिक भी बहुत व्यथित दिखाई दिए और उन्होंने अपने छतों पर पानी भर लिया। मालूम हो कि आग आगे से पीछे तक फैल गई, फिर वापस ऊपरी मंजिल तक फैल गई थी। आसपास के निवासी भयभीत तो अपनी छतों को पानी भरकर बचाते रहे। इस दौरान देवदूत बने नेपालगंज नेपाल के वारुण यंत्र यानी दमकल। नेपालगंज नेपाल से आए वारुण यंत्र दमकल आग बुझाने में जी जान से लगे रहे। अधिकारियों द्वारा सूचना मिलने पर तत्काल बहराइच श्रावस्ती नानपारा मिहपुरवा से दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। साथ ही नेपाल के कोहलपुर से भी एक दमकल की गाड़ी पुनः पहुंची। नेपाल के वारुण यंत्र यानी दमकल की गाड़ी देवदूत बनकर उतरे और उन लोगों ने जी जान लगाकर कोशिश करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। रात 3 बजे तक करीब 35 से 40 बार दमकल पानी भर कर लाए और आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। तदुपरांत आज बृहस्पतिवार को दोपहर करीब 12:30 के आसपास पुनः उसी दुकान के अंदर से आग की लपटें दिखाई दी, जिसके बाद नेपाल से तत्काल नेपालगंज के वारुण यंत्र यानी दमकल को भेजा गया और उन्होंने आग पर काबू पाया। रुपैडीहा से संतोष शुक्ला की रिपोर्ट।